वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लिंग विद कोमल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी विजिट किया है, तो लेट मी नो यू। माई नेम इज कोमल पुरोहित। आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप हैक्स, हेयर स्टाइल्स एंड मैनी मोर। तो अगर आपको इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट है, देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी के थ्रू मिलेगी। बस आज के इस वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। दिस इज माई गो टू मेकअप लुक, एवरीडे लुक, मिनिमम मेकअप लुक या नो मेकअप मेकअप लुक, आप इसे कोई भी टाइटल दे सकते हो, बट दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट लुक। जब भी मैं मतलब स्टेप आउट करती हूँ घर से या मुझे कहीं पे भी जाना होता है छोटी मोटी जगह, देन दिस इज माई गो टू मेकअप लुक। मैं यही मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, 5 मिनट में हो जाता है, एंड 4 से 5 मेकअप प्रोडक्ट्स इसमें लगते हैं जो कि बेसिक्स है, सबके पास अवेलेबल रहते हैं। इस मेकअप लुक से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखेगी एंड ग्लो भी करेगी, एंड आपका जो फेस है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हैं फेस पे। एंड बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स ही मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ, तो जिन्हें बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है एवरीडे बेस पे, तो ये वाला मेकअप लुक परफेक्ट है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने कर दिया है मेरा फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद में मैंने किया है मेरा स्किन केयर रूटीन फॉलो। स्किन केयर के लिए मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ में लेती हूँ, कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। सो गाइज, मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 का ये कंसीलर, जो कि एग्जैक्ट शेड है मेरे स्किन का, एंड मुझे बस हल्की हल्की सी मेरी पिगमेंटेशन हाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं डार्क सर्कल पे हल्का हल्का लगा रही हूँ, फोरहेड पे मैंने थोड़ा सा लगाया है, एंड नोज़ पे, थोड़ी सी लिप्स के पास में, यहाँ पे हल्की हल्की मेरी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, थोड़े थोड़े छोटे डॉट्स है, बस वहीं पे मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ। हल्का हल्का मैंने प्रोडक्ट लगाया है, बहुत मिनिमम प्रोडक्ट आपको यूज़ में लेना है अगर आपको नेचुरल फिनिश चाहिए, स्किन लाइट बेस चाहिए तो। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लेंडिंग, ताकि मेरा जो बेस है वो एकदम नेचुरल लुक दे, एक्सेस जो भी प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर ले। सो गाइज, अगर आपको नो मेकअप मेकअप लुक क्रिएट करना है ना, देन फाउंडेशन एंड हैवी जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेस के लिए वो स्किप कर दीजिए। हल्का सा स्किन लाइक बेस करने के लिए कंसीलर या बीबी सीसी क्रीम, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ में ले सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ में लूँगी ब्लश, एन वाई बे का ये पिंक कलर का शेड है, बहुत नेचुरल से फिनिश देता है ये भी, एंड इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, एकदम बेबी पिंक टाइप का कलर है। एंड फिंगर्स की हेल्प से ही मैं लगा रही हूँ मेरे चिक्स पे। अगर आपको फिंगर्स की हेल्प से लगाना नहीं हो रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी लगा सकते हो, एंड बस अच्छे से टैप टैप करते हुए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ फिंगर्स की हेल्प से। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से भी मैं करके दिखाती हूँ आपको। आपको ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरह से डैप डैप करना है प्रोडक्ट के अंदर, एंड हल्का हल्का बस आपको स्प्रेड करना है, इससे आपको एकदम नेचुरल सी फिनिश मिल जाएगी, एक्सेस प्रोडक्ट जो भी है वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर देगा। सो गाइस, सारे क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद में अच्छे से बेस को सेट करने के लिए पाउडर प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पे लैक्मे का 9 to 5 रेंज का ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ में ले रही हूँ, एंड जो मैंने कंसीलर लगाया था उससे अच्छे से मैं सेट करूँगी ताकि वहाँ पर क्रीज ना पड़े। कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से बेस को मैंने सेट कर दिया है। अब मैं करूँगी मेरी आईब्रोज़ को फिल। मैं यहाँ पे ये मार्स का आईब्रो पेंसिल यूज़ में ले रही हूँ, बहुत नेचुरल सा एक ब्राउन कलर है, बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं लगता है, आपकी आईब्रोज़ पे एकदम नेचुरल फिनिश देगा। एंड इस तरह से पहले मैं बनाती हूँ बॉर्डर, एंड उसके बाद में आईब्रोज़ को फिल करके ब्रश कर देती हूँ। सो गाइस, मैंने ये जो आईब्रो पेंसिल है वो नायका से परचेज़ की थी, एंड मैंने इसके लिए पे किया है ओनली 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ में बात की जाए प्रोडक्ट की तो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है मुझे, एंड मार्स के वैसे भी प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी रहते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ काजल, जो कि है प्लम का, एंड लोअर वाटर लाइन में बस मैं हल्का हल्का सा काजल लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थिक काजल मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। काजल लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मस्कारा, उससे पहले मैं कर रही हूँ मेरी लैशेस को कर्ल, ताकि मेरी जो लैशेस है वो थोड़ी लिफ्टेड लगे, एंड मस्कारा लगाने के बाद में और ज़्यादा बिगर दिखे। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन का ये हाइपो कर्ल मस्कारा यूज़ में ले रही हूँ। गाइज, अपर लैशेज के साथ साथ में लोअर लैशेज पे भी मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड अपर लैशेज के साथ साथ में लोअर लैशेज पे भी मस्कारा अच्छी तरह से लगाइएगा। सो
सो गाइज, मैंने लगा दिया है मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस यूज़ में ले रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से ना न्यूट कलर की लिपस्टिक भी यूज़ में ले सकते हैं। नो मेकअप मेकअप लुक के लिए परफेक्ट लगती है। तो ये जो शेड है उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनकेस अगर आपको परचेस करना है तो। नो मेकअप मेकअप लुक के लिए ना इस तरह की न्यूट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। हल्के हल्के से बस आपके लिप्स को टिंट दे देते हैं एंड नेचुरल लुक देता है। अगर आपके पास न्यूड लिपस्टिक्स नहीं है या आप नहीं यूज़ में लेना चाहते हो तो इस तरह से आप लिप ग्लॉस भी यूज़ में ले सकते हो। ये मैंने जूडियो से परचेज़ किया था एंड बहुत अच्छा एक न्यूड पिंक कलर का शेड है, थोड़ा सा ग्लॉसी लिप ग्लॉस है। तो एवरीडे लुक के लिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। परफेक्ट एकदम आपको जो ग्लॉसी लिप्स चाहिए ना वो आपको मिल जाएंगे इस लिप ग्लॉस से। तो इस तरह से आप है ना या तो न्यूड लिपस्टिक्स यूज़ में ले सकते हो, नहीं तो इस तरह से ग्लॉसी यू नो टिंट वाले लिप ग्लॉस भी यूज़ में ले सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं फेस पे एंड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे होता है मेरा ये मेकअप लुक कम्प्लीट एंड यू कैन सी मेरी स्किन कितनी ज़्यादा नेचुरल दिख रही है, एकदम स्किन लाइक बेस दिख रहा है। एंड प्रोडक्ट्स भी मैंने यहाँ पे बहुत मिनिमम यूज़ में लिया है। जो लिप ग्लॉस शेड है वो परफेक्ट जा रहा है मेरे इस मेकअप लुक के साथ में। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड यू कैन सी मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हैं। वैसे भी मैंने मिनिमम प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ में लिए हैं एंड दिस इज़ माई सीरियसली गो टू मेकअप लुक। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये ही मेकअप लुक करती हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना होता है, घर के बाहर मैं कहीं जा रही हूँ। एंड येस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।